आप में से कई सारे लोग इस फिल्म कैमरे पर टेक्नीशियन का काम करना चाहते हैं, या कई लोग इस वक्त मुंबई के कैमरा रेंटल हाउस में कैमरा अटेंडेंट का काम कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आपको पता ही है कि हमें कैमरा अटेंडेंट का काम करने के लिए एक यूनियन का कार्ड बनाना पड़ता है। लेकिन अभी तक कई लोगों ने कार्ड नहीं बनाया है, यह सोचकर कि भैया यूनियन का कार्ड बनाने से हमें कोई फायदा नहीं मिलता है। तो चलिए आज आपको बताने वाला हूं एक ऐसे यूनियन के बारे में जिसका कार्ड अगर आप बनाते हैं तो आप अपनी सुरक्षा, यानी आपको तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपके परिवार को भी फायदा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आपको देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन मुझे जान लीजिए पहले, मैं हूं आपका राम यादव और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल भोजपुरी वन। कैमरा अटेंडेंट को लेकर जो सवाल उठते हैं, कैमरा अटेंडेंट इस समय जो है काफी ज्यादा जो है भ्रम में है कि वो WICA के पास जाए, उनके पास उनकी कुछ चीज़ें हैं या नहीं है, या FWIC उनको क्या सुविधा देने जा रही है, इस बारे में सर शुरुआत करेंगे, सर आपसे जानना चाहेंगे। जैसा कि मैं BN तिवारी, प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लाइज, कैमरा अटेंडेंट जो थे वाइका के साथ थे पहले, हमने उनकी परेशानियों को देखा, उनकी संख्या को देखा, वाइका के साथ हम लोगों की मीटिंग हुई थी, उनकी एक सेपरेट बॉडी तैयार की गई और वो रिस्पांसिबिलिटी उन लोगों के हाथों में दी गई, खुद भी मेंबर उसमें इन्वॉल्व थे और उनको मिलकर के एक संस्था बनाई गई। फेडरेशन जो है किसी भी कीमत पर अपनी बॉडी जितनी है उसकी, हमारी 31 टोटल बॉडी हैं, हमारे क्राफ्ट हैं, हम उनके साथ उनके मेंबरों के लिए किसी भी पल तैयार रहते हैं। हर वो बेनिफिट जो फेडरेशन के पास आती है, चाहे वो टीकाकरण हो, चाहे वो राशनिंग का काम हो, उनको राशन बांटने का काम हो, या उनको पैसे की मदद हो, वो एक को यदि दिया जाता है तो सबको दिया जाएगा। उनका भी उतना ही अधिकार है जितना वाइका का है, जितना फेडरेशन के एफिलिएटेड किसी भी एसोसिएशन को। तो हम आपके माध्यम से उन्हें आश्वस्त करना चाहेंगे कि वो किसी भ्रम में न रहें, किसी परेशानी में न रहें। आज लीडर उनका अपना नहीं है या किसी मुश्किल घड़ी में फंसा हुआ है तो वो अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ऐसा न फील करें। हम उनके लिए बिल्कुल काम करेंगे और उनकी जितनी भी सुविधा है उसको दिलाने की कोशिश करेंगे। जी सर, WICA वेस्ट इंडियन सिनेमेटोग्राफर में आपको पता ही होगा अच्छी तरीके से कि अटेंडेंट को उस समय जिस समय तक थे तो किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती थी और उनको कोई अधिकार भी नहीं था वोटिंग का या अपने लोगों को बढ़ाने का, क्योंकि नहीं थी। लेकिन जब आपने 2019 में उन्हें अपनी संस्था में लिया, अपने फेडरेशन में लिया, तो क्या विचारधारा थी आपको, क्या और क्या फैसिलिटी उनको मिलेगी, क्या जो सेटिंग डिपार्टमेंट, स्पॉट डिपार्टमेंट आपके साथ में जो काम करते हैं, जो बेनिफिट उनको मिलती है उसमें एक जो जानकारी जैसे कि रिटायरमेंट की व्यवस्था है, फंड कुछ और आता है, पैसे कुछ दे, मतलब शादी ब्याह में कुछ तरह, वो सारी सुविधा क्या अब मिलेगी जो अटेंडेंटों को अगर आपके फिर? मेरी कोशिश यही है कि जो सुविधा एलाइट मजदूर यूनियन को मिलती थी उसी से कनेक्टेड जो भी एसोसिएशन बने हैं, एक स्वतंत्र बॉडी बनाई गई है इनकी अटेंडेंट की, उनको भी वही सुविधा मिलेगी, उनको भी बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचा जाएगा, उनके राशन के बारे में सोचा जाएगा, हमें जहाँ से भी बेनिफिट आएगा, जो भी ऐड आएगा हमारे पास, उसका बराबर का शेयरदार वो लोग होंगे, वो हमारी एक बॉडी का हिस्सा है और उनको किसी भी तरीके से निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जिस मेंबर को जब भी जहाँ भी भ्रम हो फेडरेशन आए और मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकता है, मेरा नंबर सबके पास है, किसी भी समस्या में उनको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, उसे हम सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। हर वक्त मैं यहाँ फेडरेशन में होता हूँ, 24 घंटे मेरा फ़ोन चालू रहता है,
हम चुनकर सिर्फ यहाँ आए हैं इसीलिए कि अपने मेंबर का हित करें, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, कभी वो अपने को कमज़ोर न महसूस करे, क्योंकि वो एक टेक्नीशियन है, वो अपने आप में एक बड़ी ताकत रखता है। उसको यदि किसी भी टेक्निकल तरीके से प्रॉब्लम है, किसी फिजिकल प्रॉब्लम है, किसी तरह का एसोसिएशन से प्रॉब्लम है, मेंबर से प्रॉब्लम है, यदि कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई उसको नहीं मिल रहा है गाइड करने वाला, आपकी मदर बॉडी फेडरेशन है जिसके अंदर 31 एसोसिएशन आती है, लाखों मेंबर हमारे हैं, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम हर वक्त आपकी सेवा में मौजूद हैं। जी सर, वो अभी आपने कई सारे जो है आपकी जो टीम है उन्होंने WIC से जो है पूरा WIC से पूरा डॉक्यूमेंट ले लिया है और नया कार्ड भी बनाकर दे रही है इस समय, तो क्या अभी जितने लोग नए जुड़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए वो कहाँ जाएं, कहाँ कोई उनकी कार्यशाला, कहीं कुछ कॉन्टैक्ट नंबर कुछ इस तरह का भी उनको मुहैया करा सकते हैं? देखिए, फिलहाल अभी कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है, ज़्यादा लोगों को मैं इंटरटेन अभी कर नहीं सकता हूँ, तो ऑफिसें सबकी बंद हैं तकरीबन सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से, ना हम किसी से मिल रहे हैं, ना हम चाहते हैं कि कोई क्राउड इकट्ठा हो, कुछ दिन और वेट करें लोग, जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, यदि उनको कोई साधन नहीं मिलता है तो फेडरेशन का रास्ता पकड़ें, फेडरेशन में उनको गाइड मिलेगा, उनको फॉर्म मिलेगा, उनको मेंबरशिप मिलेगी, उनको उनका अधिकार मिलेगा, किसी भी तरीके से उनको हताशा नहीं होगी, ये मैं प्रॉमिस आपके सामने कर रहा हूँ। तो आप BM तिवारी को फ़ोन करें, कॉन्टेक्ट करें, यदि आपको लगता है कि आपकी कोई समस्या है, मेरी कोशिश होगी कि इस बड़े पोस्ट पर बैठकर यदि मैं आपकी समस्या सॉल्व नहीं कर सका तो मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा आदमी सॉल्व करेगा, आपका हित हमारा हित है। धन्यवाद जी। तो आपने सुना ही आखिरकार कि जो कैमरा अटेंडेंट है उनको जो जो दिक्कत होगी, जो जो प्रॉब्लम होगी, वो किस तरह से जो है BN तिवारी जी ने तो आपको आश्वासन दिया है कि आपकी दिक्कत जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाएगी। लेकिन अभी इस समय जितने भी अटेंडेंट जो हैं काम कर रहे हैं या काम पे जाने वाले हैं, तो थोड़ी सी चिंताएं हैं आपकी कि आपका भी कार्ड बन जाना चाहिए, क्योंकि कार्ड बनाने से क्या क्या फ़ायदे हैं उन्होंने साफ साफ बता दिया है। तो जितने भी अटेंडेंट अभी थे कंफ्यूज थे कि हमें पहले जो है फेडरेशन जो थी यानी WIC आप लोगों को कुछ देती नहीं थी, लेकिन अब आपको वही सुविधाएं मिलेंगी जो सेटिंग डिपार्टमेंट को मिलती है, जो स्पॉट बॉय को मिलती है, जो लाइटमैन को मिलती है, वो सारी की सारी सुविधाएं अब ये नई जो है FWICA की जो है संगठन है, जो फेडरेशन है, वो आप तक पहुंचाएगी। इसलिए आप लोग जहां कहीं भी हैं और अभी आपके मन में चल रहा है कि हमें कार्ड बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, तो भाई आपको बना लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा और काफ़ी सारा लाभ भी मिलेगा। लेकिन अभी सर से मैंने डायरेक्ट बात की है, मैंने पूरा जानकारी इनसे लिया हुआ है, तो अभी थोड़ा ऑफिसेज बंद है, लेकिन जैसे ही खुलेगी मैं इस वीडियो के नीचे जो है नंबर भी डाल दूंगा और एड्रेस भी डाल दूंगा, आप लोग आइए। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि जो अभी जो फीस है वो आप इकट्ठा लेने की शुरुआत कर रहे हैं कि कुछ उसमें कंसेशन होगी, क्योंकि आपकी फीस भी तो कभी ज़्यादा है? मैं जो भी है अपने मेंबर के पोजीशन के मुताबिक, क्योंकि कोरोना काल में उनके पास पैसों की दिक्कत है, काम नहीं है, तो एक साथ फीस लेने के बजाय हम इंस्टॉलमेंट देने की कोशिश। चलिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, क्योंकि जो 12,000 रुपये की फीस है नए अटेंडेंट की, वो कम से कम आधा आधा आप दे सकते हैं। तो भैया काम करते रहिए और अपने मुनाफा जो है थोड़ा थोड़ा यहाँ पर देते रहिए, ताकि आपका जो है भविष्य सुरक्षित रहे। तो मुझे लगता है कि आज की ये सटीक और सही जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे लिए नहीं तो हमारे BN जी के लिए जो है एक लाइक देके जाइएगा, और जो नए हैं इस चैनल से उन्हें बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की सही और सटीक जानकारी लाते रहूं। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।